उर्दू बी का काम कर रहे हैं। आपके पास एक ही कॉपी है, उसी पर आपने उर्दू ए का और उसी पर उर्दू बी का, कार्यवाणी उर्दू का जो भी होगा, ग्रामर पर जो भी होगा, वो आपने उसी कॉपी पर लिखा है। लेकिन उसमें सिर्फ आपने ये ऊपर ये उर्दू बी ऐसे लिख देना है ताकि आपको याद रहे। पेपर तो बाद में आपका एक ही बनना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैचर इसलिए करना है ताकि आपको पता रहे कि ये ग्रामर वर्क है। ठीक है, सवाल है इसम की तारीफ के लिए। ठीक है कि आपने वन क्लास में भी किया, टू क्लास में भी किया, आप थ्री क्लास में दोबारा से इसलिए कर रही है। इसके बाद हमने इसम जमीर, इसम सिफ्त ये करना है, तो आपको डिफरेंस पता चले कि इन तीनों में फर्क क्या है। ये आपको डिफरेंस समझाने के लिए, ठीक है, इसम इसम की तारीफ ये वन क्लास से आपको करते आ, लेकिन ये दोबारा से करना इसलिए जरूरी है ताकि जब हम इसके बाद आने वाला काम करें तो ये हमारे रिमाइंड हो जाए और आपको उसमें समझने में आसानी रहे कि ये अगर अकेला इसम है उसमें क्या फर्क है, इसम जमीर है तो वो क्या है, इसम सिफ्त है तो वो क्या है। ये आपने एक लाइन लिख के ये इसम लिख के इसके आगे वाले की पूरी लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, ठीके? उसके यहाँ से जहाँ पर हमें ये टू क्रॉस लगाए हैं इसके नीचे से लिखना शुरू करते हैं। तारीफ मैंने लिखी, किसी भी शख्स चीज या जगह के नाम को इसम कहते हैं। ठीक है, अब इसकी हम मिसाल देखेंगे। अब शख्स क्या, इसमें लड़के लड़कियां इसमें सब आ जाते हैं। ठीक है, आपका अपना नाम भी जो है वो क्या है, इसम है। ठीक है, वो आप इसमें वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं जो नाम लिखूंगी वो आप उसके अलावा अपना नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वह भी इसम ही होगा। सिर्फ ये नहीं कि जो इसमें मिसाल में हमने लिखा सिर्फ वही है, वन क्लास में किया टू में किया अब तक तो आपको समझ आ गई होगी। वगैरह का मतलब होता है इसके अलावा और भी बहुत सारे। ठीक है, सिर्फ ये तीन मैंने लिखे हैं, शख्स अली चीज कुर्सी जगह कराची। ठीक है, जैसे आपका अपना शहर लाहौर वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप जिस जगह पर जो आपके एरिया का नाम है जहाँ पर आप आपका घर है आप वो भी लिख सकते हैं। कुर्सी की जगह मेज अलमारी कुछ भी, पंखा कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, उसमें सारी चीजें ही होती है।
टीचर मालूम रखा जाएगा नहीं समझ में आ रही के लिए हमें 2-3 लाइन लिखनी पड़ेगी ताकि उसमें फिर हम सेंटेंस में बार बार रिपीट होगा ना तो फिर पता चलेगा समझ आएगा। मामा तू की बुक सेंटेंस में आ गया वो खूब सवेरे उठती है फिर उस
उसका फातिमा की जगह पर क्या इस्तेमाल जमीन का इस्तेमाल हुआ उसको सर्कल करते उसके बाद उसका स्कूल जाने का वक्त हो जाता है तो वो स्कूल चेक करते हैं दोबारा से वो ठीक है पूरे पैराग्राफ में से आपने जितने भी इस्तेमाल जमीन है उसको फिर सर्कल करना होगा ये आपने किसी तरह से इसको सर्कल करना है तो इसके बाद दोबारा से नीचे लिखना भी आ रहा है इसका बताना भी है कि हमें इसमें से कौन से इस्तेमाल जमीन हमें सर्कल दायरा करना है अगर आपका लिखने से रह गया तो बुनियादी बात में कौन करो किसका काम है उनका काम तो नहीं है कोई इस पैराग्राफ के बाद आपने ये आप लोगों ने याद भी करना है मेरे नेक्स्ट क्लास में मंडे को ये सुनना है आप सबसे गलती से हो गया कुछ ऐसे किस्म जमीन Gracias.
टीचर वेट अगर आपका रहती चाहिए ना बाद में आपको यूट्यूब बट मेरे 2-3 बज रह गए हैं तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ ओके बेटे ठीक है मम्मा बताइए मम्मा क्या कह रही हैं आप टीचर दो बी का काम उर्दू ए पे ही करना है बेटे ए की कॉपी इशू है ना आप लोगों को टीचर वर्क आई हैव डन माय वर्क लेकिन आपने यस टीचर ओके अब मेरी राइटिंग काफी इम्प्रूव हो गई हुई है जी टीचर क्या आपने लिखा है जो भी मैंने काम दिखाया हमें चाहिए समीर का क्या बताया मैंने सारों का हो गया तेरा हुआ तो टीचर बाबा मिटाई जा रहा है टीचर टीचर आई हैव डन माय वर्क टीचर तुझे बुला रही टीचर आई डोंट गो ट्रीडर Yeah.